अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये व्हाट्सएप में पूछे गए एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मैं दूंगा। कि ये एक डाटा था एक व्यूअर के पास, सब्सक्राइबर के पास एक डाटा था और उन्होंने पूछा था कि उनके पास तीन सर्विसेज हैं, ठीक है, और इन तीन सर्विसेज के बीच में उनको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये सिंपल ही है, मगर अभी उनका जो प्रॉब्लम है, उनके पास जो डाटा है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये प्लान व्यू है। प्लान व्यू में एक सरफस ये है, ठीक है, ये हमारी ये वाली जो क्रॉस सेक्शन में हमें येलो कलर की लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, ये उनका डाटा है, ठीक है। उसके बाद ये ओरिजिनल डाटा है, और उसके बाद उनके पास एक ये डिज़ाइन की सरफस है, और एक ये उन्होंने ड्रैगिंग की हुई है। ये मैरिन का डाटा है, ठीक है, और काफ़ी कंजेस्टेड इसमें पॉइंट हैं बहुत सारे। तो ये सर्विसेज हैं, ये सर्विस को बॉर्डर पे मैंने इसीलिए रखा है कि ये बहुत हैवी हो जाता है डाटा, जिसकी वजह से सिस्टम में फिर प्रॉब्लम आती है। तो आपके पास अगर कोई बड़ी लार्ज सर्फस का डाटा आता है, तो आप उसको बॉर्डर स्टाइल पर रख के आप अपनी वर्किंग ईजीली कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए बॉर्डर स्टाइल में रखा हुआ है। मैं आपको इसका ऑब्जेक्ट व्यूअर दिखाता हूँ। ये जो डिज़ाइन सर्फस इन्होंने ऑलरेडी जो इन्होंने डाटा भेजा है, उससे जो डिज़ाइन सरफेस बन रही है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये ड्रैगिंग के बाद उनकी ये पोजीशन आएगी, एक चैनल की पोजीशन आएगी ये, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ये इस तरह की पोजीशन आती है इसमें, ठीक है। तो अभी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मैं ये जो सेक्शन है हमारे, अगर मैंने जो इस पे मटेरियल कैलकुलेट किया है, मैं आप लोग को दिखाऊँ, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत सारा एक्सेसिव मटेरियल जो है, एक्स्ट्रा मटेरियल जो है, वो कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो मटेरियल है, इनकी क्वांटिटी उनको रिक्वायर्ड नहीं है। ये जो चैनल से साइड से जो कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये जो रेड कलर का अगर आप मटेरियल देखें, तो ये जो ड्रैगिंग की लाइन है, ठीक है, ये उसके ऊपर ऊपर का जो कट मटेरियल है वो है। और अगर उन्हें कोई फिलिंग करना है इधर, जो कि रिक्वायर्ड तो नहीं है, मगर फिर भी इसमें मैंने शो किया है, तो ये काफ़ी सारा एक्स्ट्रा मटेरियल जो है इसमें कैलकुलेट होता है। ये कटिंग में भी है, आप लोग देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन सरफेस यहाँ पे एंड हो रही है, जबकि ये डाटा के हिसाब से कट इधर भी आ रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, ओके, और यहाँ पे भी है। हर सेक्शन में ऑलमोस्ट ये एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो रहा है। तो उनका जो अभी क्वेश्चन है वो यही है कि ये यहाँ पे दोनों सरफेस इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे ये जो डिज़ाइन वाली लाइन है, तो ये जो मटेरियल कैलकुलेशन है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाए, ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ रही है ये कैलकुलेट ना हो। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि जब आपकी सरफेस से कुछ एक्स्ट्रा मतलब इसमें डाटा कैलकुलेट हो रहा होता है, तो आपके पास अगर सरफेस के इंटरसेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपना जो है इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसको लिमिटेड कैसे कर सकते हैं, ये जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है कि ये इसके अंदर अंदर ही हो। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो इसके लिए जो मैं ऑप्शन यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे एनालाइज टैब में, ये ऑप्शन ऑलरेडी मैं एक दो वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी शायद उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए मैं दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ। एनालाइज टाइप, और यहाँ पे ये जो ग्राउंड डाटा पैनल का ड्रॉप डाउन एरो है, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सर्फसेस, ठीक है, तो मैं इसको जैसे मैंने क्लिक किया है, तो मेरे पास यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है सिलेक्ट फर्स्ट सर्फेस, ओके, तो मेरे पास मल्टीपल सर्फस है, तो मैं यहाँ पे जो सबसे पहले मेरे पास डिज़ाइन सरफेस है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं फिर राइट क्लिक करता हूँ और मैं ड्रैग पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे अभी कोई चीज़ सॉ इन सरफेस के बॉर्डर के कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैं इसको ओके करता हूँ और मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको एंटर प्रेस किया है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ कुछ एक्स्ट्रा लाइंस जो हैं वो अपीयर हुई हैं, तो ये अभी वर्किंग कर रहा है, ठीक
ठीक है, जैसे ये वर्किंग ख़त्म होती है मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लाइन जो है ये अपीयर हो गई है हमारी ड्राइंग में। ओके, आप लोग देख सकते हैं ये लाइन क्या है, ये लाइन हमारे ये इंटरसेक्शन की बाउंड्री की लाइन है। यहाँ पे ये जो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, वहाँ पे हमारी ये बाउंड्री एक्सट्रैक्ट हुई है। ठीक है, अभी इस बाउंड्री को हमने अपनी सरफेस में एज ए बाउंड्री आउटर बाउंड्री ऐड करना है, तो हमारा ये जो मटेरियल है वो लिमिटेड हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा कि वो यहाँ तक ही इसमें कैलकुलेट होगा। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, मैंने इसको ऑलरेडी करके रखा है। ठीक है, फिर भी मैं एक दो आपको करके दिखाता हूँ। इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये जो लाइन एक्सट्रैक्ट हुई हैं इनको आपने लाइन के साथ इनके साथ जोड़ना है। आप पॉली लाइन भी बना सकते हैं, और ये जो एक्सट्रैक्ट हुई है ये 3D पॉली लाइन है। 3D पॉली लाइन जो है वो 2D पॉली लाइन के साथ ज्वाइन नहीं होती है, तो इसलिए बेटर यही है कि आप इसमें इसको फीचर लाइन में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, और फीचर लाइन को आपस में ज्वाइन करके आप अपनी ये एक कंप्लीट जो है बाउंड्री ड्रा कर लें। तो मैंने ऑलरेडी इसको किया हुआ है कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है इंटरसेक्शन बाउंड्री। ठीक है, मैं इसको एक दफा अंडू करता हूँ। ये जो बाउंड्री हमने एक्सट्रैक्ट की है, ऐसे ही आपके पास अगर कोई डाटा है तो आपने ऐसे ही अपनी बाउंड्री जो इंटरसेक्शन सरफेसेस की है उसको आपने कर लेना है एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं सिलेक्ट सिमिलर करता हूँ। ओके, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको डिलीट किया तो हमारे पास वही जो सर्फेस हैं वही बाकी रह गई हैं। ठीक है, अभी जो मेरे पास ऑलरेडी डाटा है इधर, मैं उसकी लेयर ऑफ ऑन करता हूँ। ठीक है, लेयर ऑन की है मैंने इसमें। ओके, और यहाँ से जो है मैंने कुछ आइसोलेट किया था इसको, तो मैं एंड आइसोलेशन करता हूँ। ये डाटा काफ़ी बड़ा है इसलिए सिस्टम थोड़ा सा हैवी हो रहा है। ये डाटा हमारे पास आ गया स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं ये वही लाइंस हैं जो ऑलरेडी हमने हाइड की थी, पहले जो है हमने एक्सट्रैक्ट की थी। आप लोग देख सकते हैं ये बाउंड्री जो है इसी के हिसाब से इसमें ड्रा हुई है। मैंने इन लाइंस को आपस में ज्वाइन किया था। ठीक है, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, अगर मैं वीडियो में करूँगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इसका मकसद सिर्फ समझाना था कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो अभी ये जो लाइंस हैं इनको हमने एज ए आउटर बाउंड्री इसकी सरफेस में ऐड करना है, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे इसमें क्रॉस सेक्शन में जो है वो क्या चेंजेस आती हैं। तो मैं यहाँ पे सरफेस को एक्सपेंड करता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारी ये जो ड्रैगिंग की सरफेस है ये सरफेस है। ओके, और यहाँ पे जो है डेफिनेशन, और यहाँ पे बाउंड्री एड, और यहाँ पे आउटर है। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको एम्प्टी ही छोड़ रहा हूँ। ओके, और जैसे मैं इन लाइन्स को सिलेक्ट करता हूँ, ओके, ये हमारी आउटर बाउंड्री होगी अभी। ओके, क्लोज। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सेक्शन अभी नीट एंड क्लीन हो गए हैं, और इसकी जो बाउंड्री है वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गई। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, यहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है बिल्कुल क्लियरली ये इसमें आ गया है। ठीक है, ये क्वांटिटी जो है ये इसमें यहाँ पे आ गई है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, ये सब सेक्शन में ऐसे ही ये क्लीन हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है इसके साथ। ओके, और यहाँ पे इधर ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये आज का वीडियो था, उनका छोटा सा ये एक डाउट था कि इसको कैसे करते हैं। उम्मीद है अगर किसी को ये और प्रॉब्लम आएगा तो वो इस वीडियो को देख के इंशाल्लाह इसको इजीली सॉल्व कर लेगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।